मोदी जी का बर्थडे पूरा देश मना रहा है, लेकिन सुल्तानपुर जिले में मोदी जी का बर्थडे अजब गजब अंदाज में मनाया गया, जिसे देख सब हैरान रह गए। ये देखिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कद्दू वितरण समारोह की स्पेशल तस्वीरें। केक की जगह कद्दू कट रहा है, सब में बट रहा है। यही नहीं, रास्ते में आने जाने वाले लोगों को भी गिफ्ट में कद्दू दिया जा रहा है। तस्वीरें देख आपको पता चल गया होगा कि बर्थडे मनाने के बहाने तंज कसने वाला समारोह आयोजित किया गया है। दरअसल सुल्तानपुर जिले में युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने अनोखा प्रदर्शन करते हुए मोदी जी का बर्थडे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि मोदी जी ने कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के बदले सिर्फ कद्दू मिला, इसलिए वह लोग मोदी के विरोध में कद्दू काट कर और बांट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और भारतीय युवा कांग्रेस इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। सत्ता में आने के पहले मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, लेकिन आज नौजवानों को सिर्फ कद्दू मिला है, इसलिए हम लोग प्रतीकात्मक कद्दू काट कर नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपको बता दें कि 2020 में मोदी जी के जन्मदिन पर पूरे देश में बेरोजगार दिवस मनाया गया था। खासकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर खासा बवाल मचा था। सुल्तानपुर से सुजीत कसौधन की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।